बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को अच्छे से ले रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर्स प्लूलर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंगुलर वर्ड्स को प्लूलर्स में कैसे चेंज करते हैं और प्लूलर करते वक्त हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर प्लूलर्स के कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट पर एस एच, सी एच, एक्स, एस एंड जेड आ जाए तो हमेशा इन वर्ड्स के प्लूलर करते वक्त हम इनके साथ ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है, अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड आ जाए तो हमेशा उनके प्लूलर करते वक्त हम एस लगाकर प्लूलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पे वाई आएगा तो वाई की जगह पर हम आई ई एस लगाकर उस वर्ड का प्लूलर बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एफ आएगा तो हम F की जगह पर VES लगाकर उसको रूलर में चेंज कर देंगे। फिफ्थ जो रूल है हमारे पास वो है कि अगर कुछ वर्ड्स Y पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ S ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जो हमारा रूल नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट पर Y आएगा तो हम Y की जगह पर IES लगाकर उसका प्लूलर चेंज कर देंगे। पांचवें रूल में मैंने आपको बताया, अगर कोई वर्ड Y पर ख़त्म होगा तो उसके साथ S आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि Y की जगह पर हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर Y से पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो उस वर्ड की जगह पर हम IES लगाकर उसको प्लूलर में चेंज कर देंगे। और अगर हमारे पास Y के पहले वाला वर्ड वोवल में आएगा तो हम उसके साथ S लगाकर उसको प्लूलर्स में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रूल नंबर 1 की कुछ एग्जांपल से उसकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ। जैसे कि हमारे पास रूल नंबर 1 था, मैंने आपको बताया अगर वर्ड्स के लास्ट पर एस एच, सी एच, एक्स, एस और जेड पर ख़त्म होंगे तो उनका प्लूलर करते वक्त हम ई एस लगाएंगे। रूल नंबर 1 की एग्जांपल्स हैं बॉक्स, इसका प्लूलर जब हम करेंगे तो हम लास्ट पर लगाएंगे ई एस, यानी कि वर्ड बनेगा बॉक्सेस। आप देख रहे हैं इसका लास्ट वर्ड हमारे पास एक्स था तो हमने इसको जब प्लूलर्स में चेंज किया तो हमारे इसके लास्ट पे ई एस लगा के हमने इसका प्लूलर बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, लिखा हुआ है बेंच, बेंच का जब हम प्लूलर बनाएंगे तो इसके लास्ट पर ई एस आएगा, यानी कि बेंचेस। अब आप इसमें देखें कि बेंच के लास्ट पर आ रहा है सी एच, बी एन बी ई एन सी एच, बेंच लास्ट पर आ रहा है सी एच। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये वर्ड्स आएंगे तो हम लास्ट पर इनके साथ ई एस लगाकर हम इसको प्लूलर में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर रूल नंबर 1 के वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड हमारे पास आएगा तो उसका प्लूलर करते वक्त हम एस लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है डॉग, डी ओ जी डॉग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट वर्ड है हमारे पास जी, तो इसके साथ हम एस लगाकर हम इसका प्लूलर बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है बुक, बी डबल ओ के बुक, इसका लास्ट वर्ड है के, तो हम के साथ एस लगाकर इसका प्लूलर बना देंगे। रूल नंबर 3 है हमारे पास, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आएगा तो वाई की जगह पर हम आई ई एस लगा देंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल है बेबी, बी ए बी वाई बेबी। अब इसमें आप देखें कि वाई से पहले वाला वर्ड हमारे पास है बी, यानी कि ये वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हम इसका प्लूलर कन्वर्ट करते वक्त हम वाई की जगह पर आई लगा देंगे और इसके प्लूलर में ई एस लगाकर हम इसका प्लूलर बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉपी, सी ओ पी वाई कॉपी।
अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, वाई से पहले वाला वर्ड है हमारे पास पी, यानी कि ये वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हम इसको प्लूरल चेंज करते वक्त हम वाई की जगह पर आई ई एस लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। रूल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया वो था, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पे एफ आएगा तो इस एफ़ की जगह पर हम वी ई एस लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। इसमें आप देखें एफ की जगह पर हम वी लगा कर इसका प्लूरल चेंज करेंगे, डब्ल्यू आई वी ई एस, हमने एफ की जगह पर वी लगा कर इसका प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। तो हम इसमें लास्ट वर्ड एफ की जगह पर वी लगा कर इसका प्लूरल कर देंगे। रूल नंबर 5 था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके लास्ट पर वाई तो आता है लेकिन हम उसको आई ई एस में चेंज नहीं करते बल्कि उसके लास्ट पर एस लगाया जाता है। तो आप एग्जांपल में देखें, फर्स्ट एग्जांपल है टॉय, टी ओ वाई, टॉय। इस वर्ड में आप देखें वाई से पहले वाला वर्ड हमारे पास वोवल है, यानी कि ओ, ओ हमारा वोवल है तो इसलिए हम ट्वाई वाई के साथ हम एस लगा कर ट्वाइस बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है बॉय, बी ओ वाई, बॉय। तो इसमें भी आप देखें वाई से पहले हमारा वोवल वर्ड आ रहा है इसलिए हम इसे एस लगा कर इसका प्लूरल बना देंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स समझ में आ चुके होंगे और आप अच्छे से अब सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल्स में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जो कि आपने उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन वर्ड्स को आपने प्लूरल में चेंज करना है। जैसे कि वर्ड है कार्फ, लाइफ, हैन, बर्ड, एक्स, हॉलीडे, हीरो, हेयर, आर्ट, बैट, ब्रश, हैंड। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपने इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है उन रूल्स को फॉलो करते हुए। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप अब सिंगुलर वर्ड्स को इजीली प्लूरल वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं।